राइट हैंड, और इस हाथ को देख के जो कुछ भी बताऊंगा बिल्कुल सही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. एंड ऑफ कोर्स माय न्यू सेट न्यू कप्स विद न्यू टी. यस, एब्सोल्युटली न्यू टी. हमारे साथ जो शख्स आज चाय पे मेहमान है, क्या कहूंगा, वहां से शुरू हुई मुहूर्त एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स. डायरेक्टर का काम क्या होता है, किसी चीज को डायरेक्ट करना. अभी अभी जब इनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे डायरेक्टर्स होते हैं उनके चंद डिपार्टमेंट्स स्ट्रांग होते हैं, ओवरऑल जो होती है वो चीज में लैकिंग नजर आ जाती है. बट हिमसेल्फ, जब मैंने इन्हें देखा तो मैं एक बात सिद्ध के दिल से कह सकता हूँ, ट्रूली दैट्स नॉट बिकॉज ही इज हेयर, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ही इज ट्रूली अ लेजेंडरी डायरेक्टर. पहली टेलीफिल्म जो इनकी ऑन एयर गई मुराद, उस पर इन्हें 5 लाख रुपए का इंडस्ट्रियल फेस्टिवल से इनाम मिला. यू नो हिम, कामरान कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे? आई एम वेरी गुड एंड सर्टनली इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू. हमेशा सोचा था कि कामरान कुरैशी से मुलाकात होगी एंड हियर यू आर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यू वेलकम. अच्छा टेल मी कामरान, कैसे डॉक्यूमेंट्री से आपने शुरू किया था? दिस हाउ यू स्टार्टेड? मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्सेज किए एंड देन अकाउंट्स में पहले होता था और थोड़ा सा ये कि पता नहीं डिग्री जमा करूंगा और आगे जाके इसका फ्यूचर क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें थी. एंड देन कंप्यूटर कोर्सेज के थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक्स में गया और स्टूडियोज़ में कुछ अरसे काम किया, देन एडिटिंग में शिफ्ट हो गया, देन वहाँ से कैमरा वर्क भी किया. और हमारी ट्रेनिंग इस तरह से हुई कि जो हमारे टीचर्स होते थे वो ये कहते थे कि डांट डपट के साथ कि बीबीसी को देखो, सीएनएन को देखो, वन मैन क्रू होता है, कैमरा चलाते हैं, खुद ही एडिटिंग. और इवन फीमेल्स की मिसाल देते थे कि एक लड़की खुद कैमरा चलाती है, खुद एडिटिंग करती है जाके, खुद लाइट्स उठाती है, खुद ड्राइव करती है और अकेली होती है, वन मैन क्रू होता है, तुम लोग क्यों नहीं इस तरह से इस तरह. तो ये बात करें, गोल्डा मायर एक लड़की थी, उसने पूरा मुल्क चला दिया था लिटरली. बाहर की मेरा पूरा करियर जो है वो औरतों से मंसूब है. मतलब अच्छा. 3-4 साल एक प्रोग्राम माँ के नाम से मैंने किया जो सानिया सईद ने होस्ट किया. और माँओं से मिला, उनके प्रॉब्लम्स, टेक्निकलिटीज, मतलब बेतहाशा चीज़ें थी. देन उसके बाद माँ और ममता. क्या बात. माँ और ममता सीरीज जो इंडस से ऑन एयर गई और 13 एपिसोड्स थे उसमें. टेलीफिल्म मुराद जो है वो उससे पहले ऑन एयर गई. उससे पहले एक प्रोग्राम था कैसा के नाम से. कैसा कैंडिड कैमरा, फर्स्ट टाइम इंडिया में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ये इस तरह का प्रोग्राम ट्राई किया गया हो. ठीक. कोडेक क्लिक क्लिक के नाम से उन्होंने कोई एक प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर किया था जो ओरिजिनल गोरो का आइडिया है. ये कैंडिड कैमरा, कैंडिड कैमरा, और उसकी क्लिपिंग्स जो है वो लगा के ऑन एयर कर रहे थे. अच्छा. ठीक है. वही चीज हमने यहाँ अप्लाई की और ओरिजिनल अपने लोगों के साथ की. आज बल्कि तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, वेरी सॉरी टू कट यू ऑफ, आज मैंने एक और चैनल पे एक बहुत हैरानकुन शक्ल में यही प्रोग्राम देखा है. अच्छा. लिटरली मेरे 5 मिनट गुजारने मुश्किल हो गए थे. सॉरी. बट एनीवे. अच्छा. उसके दौरान फोर्सेस का काफी सारा काम किया, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, रेंजर्स, इन सब पे इन टोटैलिटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं. सियाचिन गया हूँ और वहाँ हॉस्पिटल मैंने विजिट किया और जिस तरह से हमारे फौजी ऊपर चोटियों पे गए, देन वापस जो आइस फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो कान, अगर कान ही अलग हो जाता है, मतलब इस तरह की चीजें. तो इस तरह के कई लोग वहाँ हॉस्पिटल में थे, वहाँ उनके लिए हमने एक शो किया. तुम घर कब जाते हो? मैं अब पहले मतलब सिंपली एक बात मैं पूछ रहा हूँ, वैसे ही मेरे जहन में आ रहा, मतलब मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया. घर गए कभी इस दौरान बीच 15 दिन, महीना या इस तरह से? मैं घर जाता था कराची में होते हुए. अच्छा. लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैंने अपने घर में ही सब कुछ कर लिया है. सुभान अल्लाह. मतलब ऑफिस अपने घर के साथ ही बना लिया है. अब 24 घंटे में ऑन ड्यूटी होता हूँ या 24 घंटे समझो रिलैक्स कर रहा होता हूँ. अच्छा. हाँ, जब सीरियल्स की शूट शुरू होती है तो 2 महीने, 45 डेज, 50-60 डेज जो है वो फिर बिजी रहना पड़ता है. और जहाँ शूट्स हो रही होती है वहाँ कुछ आप वहाँ जाते हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग से होते हैं. उस दौरान मेरे मोबाइल ऑफ होते हैं और मेरी वाइफ भी इवन अगर ट्राई कर रही हो तो वो नहीं मिल रहा होता. और असिस्टेंट्स और बाकी लोगों को फ़ोन करके मेरी रिपोर्ट्स ले रही होती है, कब निकले, कब पहुँचेंगे घर, खाना खाया नहीं खाया. मेरी वाइफ, मजे की बात ये कि शी इज एमएससी कम्युनिकेशन साइंसेस एंड टेलीविजन प्रोडक्शन. तो उन्होंने इंटर्नशिप भी यहाँ गजनफर साहब के पास की और मैंने उनको इंटर्नशिप कराई थी. और मास्टर्स के बाद फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाएं. नहीं, शादी कर ले.
अच्छा शादी कर लो, क्योंकि उससे पहले शादी नहीं हुई। अच्छा, इरादे पहले से थे? इरादे पहले से नहीं थे, लेकिन लेकिन बाद में हमने ये सोचा कि क्योंकि एक दूसरे को समझ लिया है, साथ काम किया है, एंड देन कोई बुराई नहीं है साथ मिलके रहने में, मिलके रहने में, एंड देन शादी, उसके बाद शादी भी इसी तरह हुई कि ड्यूरिंग शूट जो है वो क्योंकि माँ प्रोग्राम ये होता था शहरों में जाते थे, तो शहरों के दौरान ही, शूटिंग के दौरान ही बीच में हम गए और जाके उनके यहाँ रिश्ता डाला, एंड देन फिर आगे शूट पे निकल गए। इसी तरह शादी, oh my God. जैसे मेरी जब शादी हुई है तो शादी के वलीमे के अगले दिन दुल्हन घर चली जाती है। अच्छा, ठीक है, और दूल्हा या उसकी माँ जो है ये लोग जाते हैं उसको लेकर आते हैं। हाँ। तो मैं आर्मी की डॉक्यूमेंट्री करने चला गया था भावलपुर, उसके रिलेटेड जो बॉर्डर था, एंड देन शदीद गर्मियों के दिन थे, एंड देन एक एक कैमरा मेरा यहाँ से गया, एक क्रू मेरा इस्लामाबाद से आना था, तो वो बाय रोड आ रहा था, मैंने कहा प्लीज, गुजरांवाला मेरा ससुराल है, तो मैंने कहा प्लीज वहां से होते हुए आना। और गाड़ी जब वहां खड़ी हुई तो उसमें कोई मोटा सा लड़का था जो पीछे बैठा हुआ था, तो मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने ये समझा कि शायद कोई लड़की भी है इसमें, जबकि उस पूरे क्रू में कोई लड़की नहीं थी, जबकि उस पूरे क्रू में कोई लड़की नहीं थी, और मेरी वाइफ को लेने क्रू गया था वहां पे, और वो लेके मेरे पास लेकर आए थे, मतलब भावलपुर। तो इस तरह के लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट हैं। आई थिंक माय स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू योर्स व्हेनेवर आई डू गेट मैरिड। जब भी मेरी शादी होगी मेरी स्टोरी तुमसे बिल्कुल मिलती जुलती होगी। इसी तरह हो रहा होगा, लाजमी बिकॉज दो दो तीन तीन बजे अगर आप घर आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक जिंदगी दान की है हमने, सिर्फ दान की है जी, और बिल्कुल, और आपको तो दान के पैसे मिल जाते हैं या तो दान फ्री है बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, टेल मी कामरान, एक बात तुमसे जो एसोसिएट की जाती है वो क्वालिटी है शुरू ही से, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, मैं आपको देख के ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे डायरेक्टर्स मौजूद हैं। वैसे तो किसी डायरेक्टर का पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है, ये कोई काबिलियत नहीं, लेकिन बट आई एम टेलिंग यू है, तो क्वालिटी आपसे कही जाती है, व्हाई इतना ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस क्यों? यहाँ तो बहुत सारा काम हो रहा है, कोई भी काम कर सकते हो। सर मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर सिर्फ तुम्हारा एवरेज काम जो है दैट वुड बी प्रॉब्ली बेटर देन द बेस्ट योर एवरेज वर्क। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, और मेरा जो पर्सनली ख्याल है कि डायरेक्टर सिर्फ एक डिग्री लेने से डायरेक्टर शायद ना हो, उसके पीछे बहुत सारे सर्कमटांसेस, स्कूलिंग उसकी, डायरेक्शन में सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और उसको हर डिपार्टमेंट को लीड करना होता है, बिफोर द शूट, इन बिटवीन द शूट एंड आफ्टर द शूट, थ्री मेन फेसेस। अच्छा, उसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, स्क्रिप्ट सेंस है, लॉट ऑफ डिपार्टमेंट, यू नो, वो मैं ही समझता हूँ शायद बाय गॉड, अल्लाह की तरफ से ही कुछ इस तरह की ट्रेनिंग हुई मेरी। टेक्निकल स्कूलिंग बहुत स्ट्रांग हुई मेरी, एडिटर हूँ, कैमरामैन हूँ, देन डायरेक्टर हूँ, डॉक्यूमेंट्स जितनी है वो मैं कैमरा खुद करता था, हेलीकॉप्टर्स, F-16 जहाज, टैंक्स, आबदोज, बहरी जहाज, हर तरह की एक मशीनरीज पे मैंने शूट की हुई है, जो एक डायरेक्टर की इमेजिनेशन हो सकती है कि लेविश शूट, ये मेरा ख्वाब ये होना चाहिए, और ये आपने किया, और वो मुझे अल्लाह ताला ने पहले दिया है, और वो सारी ट्रेनिंग करवाई है। अभी जो शेयर कर रहा हूँ उसमें भी बहरी जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो पहले स्कूलिंग वो मेरी करा चुका है, इन अ सेंस के डॉक्यूमेंट्रीज में या आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सब की शूटिंग के दौरान, और स्क्रिप्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, लोगों के साथ इंटरेक्शन, आपकी अपनी पढ़ाई, बुक्स रीडिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आपकी शख्सियत बनाती हैं। अच्छा, आई एम सॉरी जी, प्लीज, एक चीज़ ये कि सिर्फ आपका डायरेक्शन पढ़ लेना ही आपको डायरेक्शन नहीं है, और बहुत सारी दुनिया रूम है। yes, yes, तो जैसा मैं अभी बता रहा था आपको MBA इन मार्केटिंग, ठीक है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जेस्चर्स, पोस्चर्स, बैठने का अंदाज, अगर आप यूं बैठे हैं तो आप मेरी बात को किस तरह ले रहे हैं, अगर आप यूं बैठे हैं तो किस तरह ले रहे हैं, ये किस तरह, इतनी माइनर माइनर डिटेल जो हमने किताबों में पढ़ी और उसको अप्लाई भी किया हमने। Absolutely. मैंने इन ड्रामास कि अगर कोई एक्टर है, अगर वो उसके दौरान भी उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर डिफर है और वो जो वो डायलॉग कह रहा है तो उसको सिंक्रोनाइज भी करना, बाजे बहुत सारे एक्टर्स जो है वो हैरान होते कि आप इतना, अभी मेरी बात सुनते सुनते आप यूं गए, अगर आपके इंटरेस्ट की चीज थी, और ये That's all unconscious. Absolutely. ठीक है? Absolutely. आपने जानबूझ के हाथ नहीं, यूं नहीं लेकर गए, लेकिन मेरी बात कोई ऐसी थी जिस जो आप कानों के थ्रू आपके दिमाग तक गई और उसकी इंपॉर्टेंस आपने फील की और इतनी अच्छी लगी आपको बात कि आपका हाथ वहां चला गया। right, right. ठीक है, तो ये बहुत डिटेल और माइनर चीजें हैं, मतलब जो फिनिशिंग आपकी देती है किताबें पढ़ने से, और जिस IR की मैं आपको बात बता रहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस की, मेरा एक और सीरियल है जो इंटरनेशनल रिलेशन पे है, जो इंडो पाक और ये सारा जो सिनेरियो है,
पाकिस्तान के पॉइंट से इंडिया को देखना, अमेरिका कहाँ शूट कहाँ अमेरिका में शूट हो रहा है, वो सारा शूट होगा अंदरूनी सिंध। अच्छा, अंदरून और हम उसे गांव की स्टोरी बता रहे हैं। ओके, मतलब छोटे लेवल पे सिंबॉलिकली उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक, और उसमें पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री होगी। ठीक है, और मतलब वेरी है। अच्छा, दैट्स द सेम वन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट बिफोर। ओके, अर्लियर। ओके, ठीक है। तो पाकिस्तान में जितने इवेंट्स गुजरे हैं, ढाका फॉल, कश्मीर का वाकया, ठीक है, और हमारी अपनी क्या गलतियां थी, क्योंकि अब तक 47 को हम पकड़ के बैठे हुए कि पाकिस्तान बना कैसे, क्यों बना, क्या हुआ। ठीक है, मेरा मुद्दा ये नहीं कि पाकिस्तान बना कैसे, मेरा मुद्दा तो ये बन कि गया। बन गया। अब 50 साल में हमने क्या गलतियां की हैं? Absolutely. अगले 2 साल कहां देखना है हमने पाकिस्तान को? That's the issue. अच्छा, tell me one thing, कामरान, अभी आपने जो बात की, it's very very interesting, because मैं भी कभी जब रेडियो करता हूं तो मेरा भी एम्फेसिस यही होता है कि पाकिस्तान तो बन चुका है जी, why are we struggling कि जी पाकिस्तान नहीं बना है, पाकिस्तान बन चुका है। अगर फिलोसफिकली देखें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हमें ये कहते हैं आके कि जनाब नहीं, अभी तो पाकिस्तान बनना बाकी, अभी तो ये होना बाकी, वो होना बाकी। द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज कि अगर आप पोजीशन को ले लें या अपोजिशन को ले लें, दोनों पार्टीज को मैं कहता हूँ, और गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, दोनों पार्टीज को ले लें, जो भी अवाम की फलाह के लिए काम होते हैं उसमें खामा खामे रोड़े अटकाए जाते हैं। आई मीन रियली डज नॉट रियली मैटर कि जी वो किसने कहा है, किसकी तरफ से आया। हम लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं हर बात का, चाहे ये बात आपकी भी क्यों नहीं, अगर कामरान ने कोई बात कर दी है साहिर क्रेडिट लेना जाएगा। दे डोंट अंडरस्टैंड कि इससे हमारा अपना नुकसान हो रहा है। एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी क्या कर सकता है इस सिलसिले में? व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू एंड आई कैन डू? आम आदमी अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके ला सकता है असेंबलीज में, लेकिन उसके लिए अगेन फिर आज का जो दौर है मीडिया का, जिसमें हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, मैं एक अक्सर औकात एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, सुचवाना, सुचवाना, जो शायद उर्दू डिक्शनरी में ना हो। ठीक है, सोचना जरूर है, सुचवाना नहीं है। आई एम द वन जिसको ये डिसाइड करना है कि अपनी आवाम की जो है वो मेंटल ग्रूमिंग कैसे करनी है। ठीक है, उनको सुचवाना कैसे है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने उनको वो सोच देनी है जिससे वो उस तराजू में तोल सके किसी भी कैंडिडेट को जो इलेक्शंस में आ रहा है, उसकी अच्छाई बुराई देख सके, और हमें जितना उसका इनर है वो डायरेक्टली मीडिया के थ्रू या स्पीचेस के थ्रू या व्हाटएवर, उसको जानना बहुत जरूरी है वोट देने से पहले। डू यू थिंक हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इस वजह से ये प्रॉब्लम भी होती है? क्योंकि अगर आप देखें हिस्ट्री को उठा के देखें, आई मीन इट वाज रियली वेरी स्ट्रेंज। रेडियो पे अभी कुछ पिछले दिनों पहले कुछ मेरे मेहमान आए, तो उनसे जब मैंने पूछा कि आप लोग वोट देंगे, तो वन ऑफ देम सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू। मैंने कहा क्यों? कहता है कि ये तो क्रेडिबल ही नहीं है, कोई चीज ही क्रेडिबल नहीं है, आप मुझसे क्या बात करें, ये तो कोई चीज क्रेडिबल है ही नहीं। एंड देन आई सेड व्हाई, क्यों क्रेडिबल क्यों नहीं है? तो ही सिंपली स्माइल्ड एंड ही सेड कि देखिए वही वही लोग आते हैं, वही वही वादे होते हैं, और इसके बाद और इसके बाद उन वादों पे अमल नहीं किया जाता। हम जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे आज से 20 साल पहले, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में आज तक अटके हुए हैं, उन्हीं इलाकों में आज तक अटके हुए हैं, और हम सिर्फ उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। अगर हमने कहीं एक जगह रोड बनवा दी तो हम खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमने रोड बनवा दी। तो रोड बनवाने वाली बात से आपकी मुझे याद आया, बल्दियाती इलेक्शंस होने अल्हम्दुलिल्लाह, और उस टेन्योर में 4 साल का, 3 साल का, व्हाटएवर जो भी उस दौरान वहां सीट पे बैठने का उनका पीरियड था, व्हाटएवर जो भी उन्होंने पीरियड जैसा भी गुजारा, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जिस वक्त होते हैं उससे पहले, उतरने से पहले और वो सीट छोड़ने से पहले, बेतहाशा काम एक साथ शुरू हो जाते हैं। मैं अभी क्लिफ्टन डिफेंस रात को गया हूं और 8-10 जगह की सड़कें उतरी हुई एक साथ विदाउट प्लानिंग के। यार आप ये सोचे कि अगर मैंने ये सड़क उधेड़ दी, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये, अगर तीनों को उधेड़ देंगे तो फिर क्या होगा? और तीनों उधेड़ के हम साथ बैठ गए। सर आप फिगर आउट करें ना, आप पाकिस्तानी है, आपके साथ ही हो जाएगा, अब आपको फिगर आउट करना है। जस्ट टू शो पीपल कि हम जाग रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये देखिए ये सारी सड़कें उधेड़ के हम नहीं बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये अंडरपास बना रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वजह देखिए, प्लानिंग भी होना है, जब एक आप एक काम को आपने शुरू कर दिया है, एक रास्ते को डिफेंस पहुंचना है, तो दूसरे रास्ते तो आप खाली छोड़ दें, उसके ऊपर तो ट्रैफिक फ्लो रखे ना। जब आप इधर का भी उधेड़ देंगे, इधर का भी उधेड़ देंगे, इधर का भी उधेड़ देंगे, आवाम तो पागल हो जाएगी। बिल्कुल पागल होगी। ठीक है, पहुंचेगी कैसे वहां जब आपने सारे रास्ते एक ही वक्त में उधेड़ के सिर्फ ये शो करने के लिए या कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ये हो रहा है, यू नो प्लानिंग होनी चाहिए। और ये नहीं कि जब बल्दियाती इलेक्शन या और दूसरे इलेक्शन होने हो तो उससे पहले ही ये सारे काम शुरू हो, बीच में भी तो काम करें, जब इलेक्शन होने के बाद भी तो काम करें, उस पूरे टेन्योर में काम करें। अच्छा टेल मी, एज फार एज मैं थोड़ा सा इससे जरा हट डाइवर्ट करता हूँ, डायरेक्शन की तरफ आता हूँ। क्वालिटी की हमने बात की कि तुमने जो काम किया क्वालिटी का किया। एक चीज जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ है, नॉट टू यू, टू एवरीबडी एल्स, जो हमारे यहाँ बच्चों पे काम नहीं होता कमरान, आई मीन बच्चों के लिए कुछ नहीं बनता है।
इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी सैड कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, जब भी बात करते हैं हमारे मेहमान हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमने दिन मुकर्रर कर रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 14 अगस्त शाम को 5 बजे बच्चों को ड्रेस व्रेस करवा के इसके बाद स्कूल में ले जाया जाता है, एंड देन हमारा बच्चा सारा साल जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठा है, इंटरनेट के सामने बैठा है। और मैं लेट इट बी सेड हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टेलीविजन के मीडियाज हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं कोई प्रोग्राम, तो उसके अंदर अब तक वो सिवैयां खाना सिखा रहे होते हैं, गुब्बारे फोड़ना सिखा रहे होते हैं। वो बच्चा जो इंटरनेट पे बैठ के चांद की बातें कर रहा है, उस बच्चे को एंड देन उसकी हम एनालॉजी ये देते हैं कि जनाब ये तो गाँव में भी तो जा रहा है, देहातों में भी तो जा रहा है, तो आई मीन व्हाई डू वी डू दैट? बच्चों के लिए क्यों काम नहीं है? बच्चों के लिए एक तो मार्केटर की प्रॉब्लम है कि जो सॉफ्टवेयर आप बच्चों को बनाते हैं, अव्वल तो होना चाहिए कि उसको ब्रांडेड कराया जाए और जो कंपनीज हैं वो सपोर्ट करें। हाँ। या प्रोडक्ट के हमने क्योंकि एडवर्टाइजिंग पड़ी हुई है, तो उसमें इस तरह की प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, चिंगम्स हैं, उस तरह की टॉफीज हैं, व्हाटएवर इस तरह की जो बनाने वाले हैं, उनको इस तरह के आइडियाज़ प्रेजेंट किए जाएँ और वो उसको स्पॉन्सर करें एंड देन उसके थ्रू इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएँ। अच्छा, क्योंकि ड्रामा से मेरा अब बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है और ड्रामा ही कर रहा हूँ, ड्रामा से प्रॉब्लम ये है कि दो चीज़ें जो हैं उससे यूजली डायरेक्टर्स बहुत घबराते हैं, एक जानवर और एक बच्चे, बच्चा। इन दोनों से एक्टिंग कराना दुनिया का अजाब तरीन काम है। अच्छा, मैं आप अपनी ही मिसाल दूं कि मार ममता में एक प्ले में शूट कर रहा था, उसमें बच्चा चाहिए था जो कचरे के ढेर से उठाना था, ठीक है, और वो ओरिजिनल कचरा कुंडी है बहुत बड़ी सी, कोई बच्चा ना दे अपना। मेरी बेटी पैदा हुई थी उस वक्त और चंद दिनों की थी, और तलत साहब भी उसमें थे, भूषण सारी उसमें थी, तलत हुसैन, भूषण सारी। जब उनको पता चला कि नहीं मिल रहा और ये अपनी बच्ची ले जाके कचरे पे डालने वाला है, तो तलत साहब ने कहा कि मैं आगे जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, अगर तुमने ये किया तुम इसकी जगह गुड़िया लटा देना। लेकिन गुड़िया हाथ नहीं हिला सकती, वो ओरिजिनैलिटी नहीं आएगी। मैंने रात को 1 बजे वो शॉट करा था, 1 घंटे मैंने अपनी बच्ची को लिटरली उस कचरे पर लिटाए रखा, क्योंकि उस माँ के ऊपर आफरीन है जो मेरी वाइफ थी, पहली बच्ची उसकी, और उसने उस कचरे पे पड़े रहने दी अपना मियाँ की वजह से या जो भी कहे, या अपने प्रोफेशन की वजह से, या इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो इन चीज़ों को समझ सकती थी। लेकिन वो शॉट लेने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई, और आगे माँ और ममता में सारे बच्चे, क्योंकि माँ बनती है बच्चे से, बच्चा होगा तो माँ बनेगी, ठीक है, तो हर प्ले में मुझे बच्चों से वास्ता पड़ता था, एंड देन उनको शूट करना कितना डिफरेंट होता था, डिफिकल्ट होता था, उसके लिए आपके क्रू को भी बड़ा शार्प माइंडेड और बहुत क्विक होना पड़ता था। किसी भी वक्त एब्रप्टली कोई भी टेक आ सकती थी, आपको रोल पे रहना है, आपको कोई भी उसका मूवमेंट, कोई भी जस्टिस पॉसिस उसी वक्त कैप्चर करना है, ठीक है, आप क्यों गएंगे और उसके बाद वो एक्टिंग नहीं करने बैठ जाएगा बच्चा, स्पेशली वो बच्चे जिनको आपकी जबान भी नहीं पता, जो जबान तक सीख रहे हैं, लाइक 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनसे एक्टिंग कराना तो इंतहाई अजाब का काम है। It gets very difficult. तो ये प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चे देते भी नहीं है शूटिंग के लिए, कि अगर एक बच्चा अब न्यू बॉर्न बेबी दिखाना है, आज पैदा हुआ है, हम उसमें यूजली डायरेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं कि 2 महीने का 4 महीने का बच्चा ला के न्यू बॉर्न बेबी में दिखा रहे होते, क्योंकि ये मजबूरियां हैं, कोई अपना बच्चा कैसे दे कि वो शूटिंग के लिए कि जी ले जाएं आप, हर 2 घंटे बाद उसको माँ की फीड की जरूरत है, माँ कैसे उठकर आए, उसका हस्बैंड कैसे उसको परमिशन दे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डायरेक्टर्स की, ठीक है, क्योंकि बाहर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, यहाँ नहीं है इस तरह की चीजें पाकिस्तान, और हमें उन्हीं सर्कमस्टेंसेस पे काम करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लेट्स टेक अ ब्रेक, वी आर टॉकिंग टू कामरान कुरैशी। एक मैंने फिल्म देखी थी बहुत साल पहले, एक्चुअली 2 साल पहले, अबाउट अ बॉय। जरूरत इस बात की है कि हमारे वो मार्केटर्स जो बाहर बैठ के इस प्रोग्राम को देखते हैं, दे शुड एक्चुअली रियलाइज कि बच्चों में पोटेंशियल कितनी होती है। वी हैव टू डेवलप अ सिस्टम, सिस्टम नहीं है फाइन, बट कब तक हम वेट करते रहेंगे, कब तक हम रीजंस देते रहेंगे कि सिस्टम नहीं है? सिस्टम हैज टू बी देयर इन प्लेस, समबडी हैज टू स्टार्ट इट, लेट्स टेक द इनिशिएटिव, लेट्स टेक अ फोन कॉल, अगर आप इजाजत दें वी विल गो ऑन अ ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? हेलो, साहिर बात कर रहे हैं? जी साहिर बोल रहा हूँ, मैं राहत अब्बासी बात कर रही हूँ। जी राहत, क्या हाल चाल है आप? मुझे साहिर आपसे काफी दफा बात करने की कोशिश की लेकिन आपसे कॉल नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होती है। अच्छा जी, हमारे साथ मेहमान है। तो मैं सबसे पहले आपको जश्न आजादी की मुबारकबाद दूंगी। आपको भी मुबारक हो। और उसके अलावा ये कहना है कि अब हमारे इलेक्शन जो नजदीक हैं, आप भी काफी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। जी जी। तो आप भी थोड़ा लोगों को गाइड करें कि हमें वोट डालने जाना चाहिए।
सही कह रही हैं आप, बल्कि अगर आप देखें, अगर आप देखें तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि वोट का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप देखिए, हम लोग सब बाहर बैठ के ना सिस्टम के चेंज की बात करते हैं, लेकिन बात यह कि जब तक आप सिस्टम को समझेंगे नहीं, सिस्टम में दाखिल नहीं होंगे, आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं, हम लोग खाली बाहर बैठते हैं और बातें बनाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम जाएं और जो भी हमें सही समझ में आता है कि कौन से लोग सही हैं, चाहे उन्होंने सड़कें तोड़ी हैं चाहे जोड़ी हैं, बिल्कुल, अगर वो सही हैं तो हमें उनको वोट देना चाहिए। और शायर को कहीं खुद भी जाएं वोट डालने, मैं तो पक्का वोट डालने जाऊंगा जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हमारे साथ मेहमान है कामरान कुरैशी, क्या कहेंगे आप? इत्तेफाक है कि मैंने इनको कुछ माँ और ममता का जो जिक्र कर रहे हैं वो ड्रामा तो देखा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और जो बच्ची की बात कर रहे हैं इन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत की, राइट, और क्रेडिट गोज टू हर वाइफ हिज वाइफ। जी मैं याद दिलाना चाह रही हूँ साहिर, आज नाजिया की बरसी है, नाजिया हसन की। ओ, बिल्कुल बिल्कुल, शायद आपको याद है। नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, आप तो बहुत बड़े फैन हैं, आप अक्सर जिक्र करते हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल, आज मुझसे ये गलती हो गई, हो गई ना, हो गई। मैं कल चाह रही थी कि आपको याद दिलाऊं और आज आप इस प्रोग्राम को ट्रिब्यूट करें, आज मुझसे ये गलती हो गई, हो गई, लेकिन ये लाइन नहीं मिली मुझे, तो प्लीज आप इस गलती का गाला ऐसे करें कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें कुछ नाजिया के गाने को। क्या बात है, God, क्या बात है, क्या आइडिया दिया आपने कामरान, मेरा तो गला खराब है, कामरान तो सुनते हैं कभी, मेरा तो गला खराब है, सुनी नहीं, मैं तो आवाम के साथ हूं, आवाम के साथ हूं। प्लीज आप नाजिया को ट्रिब्यूट कर दें। मैं जी बिल्कुल करता हूं, बिल्कुल करता हूं, वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा साहिल, राहत बात कर रही हूं, फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे, इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ए आवामी डायरेक्टर जी, तुम ये जो काम कर रहे हो, मैं फौरन पैतरा तो ऐसे बदल देना, फौरन से मैं आवाम के साथ, मैं खुद भी कुछ सुनना चाह रहा हूँ कि अगर आपको, तो मैं प्रोग्राम के बाद सुनाऊंगा। अच्छा, ऐसी ऐसी सुनाऊंगा मैं, आप फिक्र ना करें, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स क्या मैं कहूँ नाजिया के बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता। विल टेक अ ब्रेक, बट आई प्रॉमिस यू बिफोर आई गो आई टेल यू व्हाट नाजिया हसन मेंट टू मी, एंड कामरान विल टेल यू व्हाट नाजिया हसन मेंट टू हिम, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो She's a legend. We miss her. We'll see you right back. Dil ki lagi kuch aur bhi mujhko deewana kare मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। तालियां मैं बजाता हूं। I know I sang really bad because there was Nazia's song. I mean, I cannot say. कोशिश तो की ना, कोशिश की और हमें इज्जत अफजाई मिली, एटलीस्ट उन्होंने कहा और गा दिया। अच्छा, जबकि ऑफ द एयर इन्होंने कहा था कि मैं नहीं गा सकता और मुझे याद नहीं आया, और आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं पता था कि ये करने लगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए। मैं इतने लेजेंड्स की बात करता हूं और वो मेरे दिल में रहते हैं, और आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, मैं माजरा चाहता हूं, ये आज मुझसे गलती हुई है। नाजिया, आई एम वेरी सॉरी टू यू एंड वेरी सॉरी टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने शायद मायूस किया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं, हम बच्चों की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ एक इशू है जो तुमने बहुत ज्यादा पोर्ट्रे किया है, मुराद, ठीक है, वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जाहिर है जो मतलब दोनों तरफ है, उसका जाविया जो है वो खातून का भी है, मर्दाना जाविया भी है। हिजड़ा कहने में कोई बुराई नहीं, नहीं कोई नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई बुराई नहीं, वो हम हिजड़ा कह सकते हैं, ख्वाजा सरा कह सकते हैं, और उसके बाद मूरत तुमने किया और उसकी डिपिक्शन बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसा सवाल करने लगता हूँ वहां से एक इशारा आता है, तो एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद विल कम बैक टू दैट। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ, दिलावेज। दिलावेज, मुझे पता था ये आप ही होंगी। कैसे? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हमारे साथ मेहमान है कामरान कुरैशी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से।
मैंने आपसे कहना था कि आपके आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, मगर आपके ड्रामास वगैरह जितने भी आपने बताए, सॉरी ड्रामास के लिए, शोज आपके बहुत अच्छे हैं। आपका माँ वाला शो जो था हम लोग सारा देखा है, और आपका क्या जो था वो कैरिज कैमरा जैसा, दैट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप जो अब जो आप प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे उनमें। थैंक यू। फॉर योर वाइफ आई मस्ट से कि वो भी बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और वो आपके शायद पीछे है इसीलिए आप इतना कामयाब हो रहे हैं। मेरे पीछे वाइफ एंड देन मदर एंड देन मेरी बेटी। आपको पता दिलावेज क्या कहते हैं, ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, राइट? उसका पूरा कर दें आप इसको, एंड बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर आर टू। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है तो डोंट डू इट। नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। और बहुत चेक रखती है वैसे मेरी वाइफ मेरे ऊपर, तो लग रहा है। और जहाँ उनको थोड़ा सा शक हो तो वो मेरे पीछे शूट पे भी पहुंच जाती है, और वैसे तो शूट पे होती है। और जो आपने रोड्स का कहा है, तो हमारी रोड भी एक महीना हो गया छुट्टी हुई है सारी, और बारिश भी इतनी होती है। शुक्र है मेरी बात की तायद मिल रही है यहाँ। वो 18 से पहले नहीं बनेगी, आई नो 18, तो खैर 18 क्या, अगले बल्दियाती इलेक्शन होने दें और दुआ करें उससे पहले पहले बन जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल ही है, अब हम सारे साइकिल्स खरीद लेंगे बेचारे जी। अच्छा साहिर जी, आपने अभी तक अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया, और प्रोग्राम आपने 3:30 बजे रिपीट करना शुरू कर दिया रात के बाद। अच्छा जब मुझे कुछ नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे पता होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यू आर रनिंग अ वेरी 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 गुड शो एंड यू आर वेरी गुड होस्ट। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ टू यू। अच्छा हम बात कर रहे थे मुराद की, हम बात कर रहे थे मुराद की, कोई खास वजह है? डू द टच अ कोड इन योर हार्ट, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, डू द टच अ कोड इन योर हार्ट दैट यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट? पहली वजह तो ये है कि इस सब्जेक्ट पे काम नहीं हुआ होता, ठीक है, और शायद हम ये समझ रहे थे एक ज़माने से। PTV मदर चैनल है और मैंने हमेशा PTV को इज्जत दी है, और चाहे मैं उसमें नहीं रहा लेकिन मैंने बहुत कुछ उन वहाँ के डायरेक्टर से सीखा है, नो डाउट, और हमारे लिए इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है, चाहे हमने कुछ सीखा है नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा है, अनकॉन्शियसली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। PTV के दौर में भी स्लाइडली थोड़ा बहुत टच करते रहे इस चीज़ को, लेकिन इसके ऊपर बेस करके कभी सब्जेक्ट नहीं बनाया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि शायद डरते थे या सेंसर पॉलिसी या व्हाटएवर, इस तरह का कोई भी रीज़न हो सकता है। और डायरेक्टर्स यूजली जैसे एक्टर कोई नया करेक्टर में कास्ट होने से डरता है। साल के जड़े के लिए मैंने शफी मोहम्मद शाह को फ़ोन किया था, एंड देन सुबह रिकॉर्डिंग थी और उनकी फैमिली ने बायकॉट कर दिया कि आप नहीं करेंगे ये okay. ये रोल, और इस तरह की काफ़ी सारी लिस्ट है जिनको मैं फ़ोन करता रहा और वो मुझे मना करते रहे कि जी हम ये रोल नहीं कर सकते, हमारा इमेज, ये मसला, फला मसला। इसी तरह ट्रीटमेंट के हवाले से कि बड़ी बारीक लाइन है इस ज़ात को पोर्ट्रे करने में, ठीक है, बारीक लाइन किस लिहाज से कि जो उनके इमोशंस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो और जो जिस तरह से हम लोग हिजड़ों को देखते हैं, ठीक है, उस दोनों को पोर्ट्रे करने में बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है डायरेक्टर को, और वो शायद उस ख्याल रखने के लिए मैं बेतहाशा हिजड़ों से जाके मिला हूँ, उनके साथ डिस्कशन की, वो बहुत जरूरी होता है रिसर्च वर्क तो होना, ऐसे बैठा हूँ जैसे मैं उनमें से हूँ, या मैं उनके साथ डिस्कशन की, जैसे औरतों का पूरे जितना मैंने काम किया है या माओ का किया, तो उसमें मैं अक्सर औकात सानिया को कहता था कि मैं, या लोगों को, कि मैं भूल जाता हूँ कि शायद मैं मर्द भी हूँ। Oh, amazing, amazing. और इसी तरह औरतों के बाद फिर अनकॉन्शियसली मैं इस सब्जेक्ट की तरफ गया हूँ शायद, ठीक है, और उसमें अगेन मैं भूल गया हूँ कि शायद मैं मर्द हूँ, क्या बात है, ठीक है, और मुझे उनके लेवल पे जाना पड़ा, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स को खुद फील करना पड़ा, समझना पड़ा, और आई स्वेयर टू गॉड ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग मैं हाथ यूं अनकॉन्शियसली, और मेरा चलना वैसा रहा, और मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं फील होती, कोई शर्मिंदगी मुझे फील नहीं होती थी कि वो भी इंसान है, बहुत मैं उसमें स्पीच नहीं देना चाहता या मैं उनके लिए सिंपैथीज नहीं गेन आप इजाजत देंगे टेलीफोन कॉल, बट वन थिंग दैट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, एंड
चल रही थी बत्ती, लेट्स सी, ओह सॉरी कट गई, बट वन थिंग यू हैव सेड इज वेरी वेरी ट्रू कि वो इंसान होते हैं, उनको इंसान समझना चाहिए और उनको हम और कुछ नहीं समझ सकते, दे आर ह्यूमंस, that's all they are, nothing else. Equal level pe le. Yes, equal. Humans chhod de, insaan chhod de. Main to ye keh raha hu, equal level pe. Jaise aap hai, waise wo hai. Haan, bilkul, bilkul. Matlab wo ek alag matter hai ki ability hai ya nahi hai, ya mard hai ya aurat hai, whatever. Ab aaj ab jab kabhi banao na, phone kar lena. Meri family boycott nahi karegi. Acha, so please. Acha, ek baat aur main puchna chahta hu aapse, because ek waqia mere sath aisa hua tha ki my hairdresser America mein, he died of AIDS. AIDS hui thi usse. Mujhe yaad hai ki main 8 साल उसके पास जाता रहा बाल कटवाने, और फिर आखिरी के जो 2 साल थे उसमें उसकी सेहत जो है वो गिरने लगी. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैक टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, देन ही रिवील्ड, ही सेड कि जी आई हैव एड्स. आई सेड ओके, आई स्टिल वेंट देयर. लेकिन जो मैंने रवैया देखा उनके साथ, एड्स के पेशेंट्स के साथ अमरीका में या कहीं और किसी जगह में, मुझे बहुत खुशी हुई. मैं ख़ुद भी जो अनोनमस एड्स हेल्पलाइन होती है उसका मेंबर रहा हूँ, जाके मैंने सर्व किया. लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जब मैं देखता हूँ तो यहाँ एड्स के पेशेंट्स के साथ और हमारे जो ख्वाजा सराय या जो हिजरा कम्युनिटी है उसमें ये बीमारी है और काफ़ी से ज़्यादा है, उनके साथ बहुत अजीब सा सलूक किया जाता है, उनको अछूत समझा जाता है. हालांकि अगर थोड़ा सा भी ये बता दिया जाए कि एड्स एक अछूत की बीमारी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल. आपको एड्स हो नहीं सकती, नॉर्मल कॉन्टैक्ट से आपको एड्स नहीं हो सकती, बिल्कुल. तो ये तालीम जो है हमारे यहाँ, ये ड्रामे के थ्रू एक्चुअली एजुकेट करने की बात है, अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस ट्रांसफर करने की या देने की लोगों को थ्रू ड्रामास, थ्रू कमर्शियल्स, एड्स, जो मिनिस्ट्री हमारी इस पे काम भी कर रही है और करती रहती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती या इदारे काम नहीं करते, कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन जिस स्पीड से या जिस तरह से काम हो रहा है वो बहुत थोड़ा है, और हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है. उसके लिए डेफिनेटली एफर्ट्स करनी पड़ेंगी हमें, और ड्रामास के थ्रू शायद वो बात जो मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ और वो आपको बाजी चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते. True. और घुमा फिरा के आपको ये ड्रामे की डिपिक्शन में अगर आप वो चीज़ दूँ तो वो अनकॉन्शियस में आपके जाके बैठ जाती है और आप उस चीज़ को समझ जाते हैं. एक मेरा बताना कि ये इस चीज़ से नहीं होती, एक ड्रामे में वो करेक्टर्स वो सब कुछ फील कर रहा हो और स्क्रीन के थ्रू वो सारी फील में आप तक पहुंचा सकूं, इट्स लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और मैसेजेस आपको डिलीवर कर सकूं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है. और वो डेफिनेटली स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ड्रामास पहले भी कुछ ना कुछ बने हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पाकिस्तान में काम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा हुआ, बहुत थोड़ा, और बहुत कुछ होने की जरूरत है. अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आता है, जहाँ हम ये बात करते हैं सोचों की बात जहाँ आती है. एक मेरा ये एक थिएट्रिकल प्ले था और लिखा था मैंने उसमें कि एक औरत कहती है कि जब मैं आईना देखती हूँ तो मुझे एक महकूम नज़र आता है, जब तुम आईना देखते हो तो मुझे एक हाकिम नज़र आता है. उस ड्रामे का एम्बियंस ऐसा था, उसकी स्टोरी ऐसी थी कि मुझे वो लाइन लिखनी पड़ी. बट हम जब पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे यहाँ औरत को मुसलसल गिरियाउजारी करते हुए, महकूम होते हुए दिखाया गया है, और मर्द हमेशा जाबिर है. मर्द हमेशा ये जो विलन वाले रोल करता है. ऐसा नहीं, शायद ऐसा नहीं है. मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल होगा ऐसा, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं. हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्या मर्दों को समझना नहीं चाहिए, क्या मर्दों के प्रॉब्लम्स नहीं हैं? ड्यू एक कोर जो होती है जो मर्दों को नहीं समझती, एक बहुत फाइन लाइन होती है कम्युनिकेशन में, न जाने कहाँ जाके औरत और मर्द की वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है. उस कम्युनिकेशन की 50% जिम्मेदारी मर्द पे है तो 50% जिम्मेदारी औरत पर भी होती है. लेकिन हम औरत को उस जिम्मेदारी से ओहदा बरा क्यों करते हैं? मैं हमेशा औरतों के फेवर में बात करता हूँ, लेकिन अब इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल है. प्रॉब्लम क्या है? अभी ये जैसे माँ प्रोग्राम के थ्रू 3-4 साल माँ प्रोग्राम हुआ सारी, एक साल तो अक्सर अवकात लोग कहते हैं कि बाप के ऊपर आप काम नहीं करते, मर्दों के ऊपर काम क्यों नहीं करते. देखिए, और या माएँ भी तो बुरी हो सकती हैं, क्या बुरी माएँ नहीं हैं हमारे माशरे में, तो वो क्यों नहीं पोर्ट्रे करते? मेरा उसके ऊपर ये था कहना कि उन लोगों को कि मैं अच्छा दिखा दूं, क्योंकि अच्छा ही अभी बहुत कम दिखाया गया है, मैं वो दिखा दूं तो बहुत होगा. और वुमेन राइट्स और बहुत इसके ऊपर काम होता है, या बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, इवन औरतें जो एनजीओज़ रन कर रही होती हैं या इस तरह, वो भी बहुत सारा काम इसके ऊपर कर रही होती हैं और क्रिटिसिज्म का भी शिकार होती हैं उसमें, या कुछ बेगमात उनके शायद हिडन एजेंडाज होते हो.
लेकिन बहरहाल ट्रू सेंस में आप अगर पाकिस्तान की आबादी को एनालाइज करें तो कितने फीसद आबादी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम दोनों बैठे बात करें? सही, 5%, 10%, 10%, 20%, 90% तो वही है ना। हाँ, ठीक है, थ्रू आवर चैनल्स सैटेलाइट है, अब सब जगह गांव देहातों में भी आ रहा है। इसी तरह अवेयरनेस आएगी जो बहुत छोटे लेवल पे पीटीवी या उस जमाने में एक चैनल थोड़ा बहुत जो उन्होंने काम किया, आज इतने सारे मीडिया वॉर है, ठीक है, आज हम ये सारा काम, अब बहुत कुछ काम होना बाकी है औरतों पे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि औरतों को ही हम क्यों पकड़ के बैठ गए और मर्दों के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे, मर्दों पर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी हाकिम हैं, मेरे अंदर से साइकी नहीं जाती, मैं कई दफ़ा नॉर्मल लाइफ में हस्बैंड बन जाता हूँ, हस्बैंड से मुराद ये कि वो जो सिंबॉलिक वर्ड है हस्बैंड, वो आप हो जाते हैं, राइट राइट, या मैं बेटा जो है वो बेटा उसमें कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद, क्योंकि मेरे जो मैं कमा रहा हूँ वो मैं माँ को ला के दे रहा था, तो माँ का ये समझना कि आज क्या कहते हैं मेरा शौहर नहीं है और मैं बेटे से ले रही हूँ, तो उसका दबना इन अ सेंस के उस लिहाज से कि रोना कि जी आज पहली दफा उन्होंने बेटे की कमाई ली और आज बेटों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हूँ, ठीक है, और वो जो शौहर का राज वो कुछ और होता है। तो आज भी हमारी औरत उसी तरह फील करती है और हम भी ज्यादतियां करते हैं, बिल्कुल करता है, आई टेक ब्लेम के कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम वो लिबर्टी ले जाते हैं, क्योंकि हमें शायद बचपन से दिखाया ये सब कुछ गया है कि मर्द ऐसा होता है, फलां होता है, लड़ाई झगड़े हम ड्रामाज में भी दिखा रहे होते हैं और हम कर रहे होते हैं ऐसा, ठीक है, हम कितने ही लिबरल हो जाए, 90% में वैसा लिबरल होने की कोशिश करता हूँ, कहीं कहीं कोई ऐसा मोमेंट आता है जब मैं शायद मर्द बन जाता हूँ, हस्बैंड बन जाता हूँ या वो वाला बेटा बन जाता हूँ जो कमा के लाके दे रहा है, तो हमें वो लिबर्टी कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं लेनी उस माँ के लिए या बीवी के साथ, right. वो टिपिकल हस्बैंड बनने वाली, you're right. दोस्तों वाली जो कम्युनिकेशन बीवी के साथ वो कुछ और है, वो हल्ला गुल्ला वो मजाक वो चुटकले, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग वो मोहब्बत वो सब कुछ अलग है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हस्बैंड बन जाता हूँ, वो पता नहीं हमारे अंदर हमारी साइकी में इनबिल्ट है, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, हम मुआशरे को ब्लेम देके एक साइड पर हो जाते हैं, लेकिन वही मैं अपना एनालिसिस भी करता हूं इन चीजों के लिए। एब्सोल्युटली कामरान, वहां से एक इशारा हो रहा है, दैट मींस के जनाब टाइम जो है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल, इट्स थोरली अ प्लेजर, सर्टनली इट वाज ट्रूली अ प्लेजर मीटिंग यू और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आपको दोबारा आना पड़ेगा, मेरे लिए इज्जत अफजाई होगी, प्लीज डू कम अगेन, इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? माओं की बहुत सारी इज्जत करें जिनके पास माएँ हैं और सरमाया है हमारा, तो मजहब भी बताता है, हजरत मूसा की मिसाल ले ले कि आज तेरे पास माँ नहीं है तो समझ जा, यू नो, ये और दूसरा औरतों की, बीवी बहन माँ बेटी, ये सारे वो रिश्ते हैं जिनकी हमें बिंग मर्द इज्जत करने की बहुत सारी ज़रूरत है। ये मत समझे कि और मर्दों के ऊपर काम नहीं हो रहा है या मर्द को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, औरतें मजलूम है, नहीं, अभी भी हम हैं और मैं उसका ब्लेम ले रहा हूँ, लिहाजा हमें बहुत सारा चेंज करना है अपने आप को, जब हम सुधर जाएंगे तो फिर हम कहेंगे ठीक है अब औरतों पे रोना छोड़ दें और हमारे पर काम करें, मर्दों पे काम करें। यस, थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कामरान कुरैशी, कामरान ने बातें बहुत अच्छी की, एंड ऑफ कोर्स यू नो कि माँ के बारे में जब बात हो, लेकिन मैं भी आपको एक माँ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारी माँ है, हमारी से मुराद ये मेरी आपकी, दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान, उसकी हिफाजत कीजिए, मामा होती है, याद रखिए माँ आपसे एक रोज़ पूछेगी कि तुमने मुझे क्या दिया, आई डोंट नो वॉट विल हैव टू से बट आई नो वन थिंग, माँ ने जिस रोज़ ये सवाल किया उस रोज़ हमारे पास एक जवाब ज़रूर होना चाहिए। खुदा हाफिज़।